गाइज आज की वीडियो में अपन एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसके जरिए आपको पहले ही पता लग जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है यानी अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड आएगा और डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आएगा अगर आपको पहले से पता लग जाए तो आप भी मार्केट से पैसा बना सकते हो ना बन जाएगा आसानी से बन जाएगा लेकिन उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा रूल्स को समझना होगा ये स्ट्रेटजी आपने इससे पहले YouTube पर कभी देखी नहीं होगी गजब की स्ट्रेटजी सिंपल आपको जरा भी दिमाग नहीं लगाना सिर्फ दो इंडिकेटर का यूज करेंगे बस और आप देखेंगे कि इतने एक्यूरेट इंडिकेटर और सबसे बड़ी बात यह इंडिकेटर बिल्कुल फ्री हैं जीरो रुपए एक भी रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है देखो आज तक जितने भी इंडिकेटर आपको बताए हैं ना वो सभी फ्री बताए हैं एक भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आपको इंडिकेटर फ्री मिलेंगे चलिए चार्ट पर चल के समझते हैं मजाक नहीं लाइव ट्रेड करके लाइव ट्रेड में पैसा बनाकर आपको दिखाएंगे देखो अगर ट्रेडिंग की लर्निंग को अगर आप मजाक की तरह लोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे फिर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस चीज़ को समझ लो तो अगर कामयाब होना है ट्रेडिंग में तो लर्निंग के साथ मजाक नहीं तो लर्निंग कीजिए कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए ध्यान से चलकर चार्ट पर सब कुछ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजें ठीक है, है चलिए आइए चार्ट पर देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आपको क्या दिख रहा है देखो यहाँ पर सिंपल आपको क्या दिख रहा है सिंपल बहुत आसान तरीके से यहाँ आप देखोगे एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ठीक है ये वाली लाइन इसका कलर चेंज कर ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है इसका कलर कर लेते हैं ये वाला चलिए यहां पर देखो एक ग्रीन कलर की ये लाइन दिख रही है आपको यहां पर ग्रीन कलर की ठीक है और उसके बाद ग्रीन कलर के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो येलो कलर दिख रहा है और एक ये रेड कलर दिख रहा है बस यही तीन कलर है तो बस यही बात है बिल्कुल आसान से तीन कलर आपको दिखे ग्रीन कलर और येलो कलर और रेड कलर तो ग्रीन कलर का मतलब है कि मार्केट अपसाइड जाएगी ठीक है और येलो कलर का मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है ट्रैफिक में लाइट देखी है ना सिर्फ वही है अगर आपने ट्रैफिक की लाइट देखी है तो आप यहां से मार्केट से भी पैसा बना सकते हो देखो सिंपल आपको ग्रीन कलर दिखा मतलब कि अब ट्रेंड ठीक है मार्केट चल रही है येलो दिखा मतलब अलर्ट जोन है यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और अगर रेड कलर दिखा मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है डाउन ट्रेंड आ चुका है ठीक है तो इसी तरीके से यहां देखो ये रेड कलर उसके बाद येलो दिखा तो येलो का मतलब है ट्रेंड रिवर्स होने वाला है बस सिंपल सी बात है इतना आसान है लेकिन लेकिन जल्दबाजी नहीं आप सोच रहे हो कि देखो अगर आपने सोचा कि यहां तक पता लग गया अब आप होशियारी दिखाओगे हो ठीक है समझदार बनोगे तो समझदार तो आप आज तक बनते आए हो और अगर आप प्रॉफिट में होते तो ये वीडियो नहीं देखते जाहिर सी बात है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तभी ये वीडियो देख रहे हो और तभी आप सीखना चाहते हो तो अगर सीखना चाहते हो तो कंप्लीट देखो आधी अधूरी वीडियो देखने से अच्छा मत देखो जिनको जल्दबाजी अभी भी वीडियो बंद कर सकते हैं जिनको सीखना है वो अभी कंटिन्यू रखें वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं देखो तीन कलर आपको यहां पर दिखे और ये चीज आप समझ गए ठीक है और यहां पर आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा है और यहां नीचे रेड कलर दिख रहा है तो आपको देखिए जब अपन यहां पर कॉल साइड की एंट्री लेंगे ठीक है और पुट साइड की एंट्री के लिए तो पहले कॉल साइड की एंट्री समझ लीजिए ठीक है कॉल साइड की एंट्री के लिए कुछ नहीं करना बिल्कुल सिंपल यहां पर पहले अपने को देखना है कि अब ट्रेंड है बाजार में या नहीं अब ट्रेंड फाइंड करना है तो आप ट्रेंड में क्या करना है अब तक आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ने आपको बताया होगा कि अब ट्रेंड है तो कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए डाउन ट्रेंड है तो पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए जी हां बिल्कुल सही है लेकिन आपको यहां पर ऐसा नहीं करना है यहां आपको अब आप ट्रेंड में अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है अब आप ट्रेंड आपको फाइंड करना है सिर्फ और वेट करना है ट्रेंड के रिवर्सल का ट्रेंड के रिवर्सल का वेट करना है आपको यानी जब डाउन ट्रेंड शुरू हो वहीं पर आप टॉप पर देखो एग्जैक्ट टॉप पकड़ पाना कैप्चर कर पाना मुश्किल होता है लेकिन अगर आपको रिवर्सल पता लग जाए और आप वहां से डाउन साइड का ट्रेड ले लें तो आपका प्रॉफिट होगा और बड़ा पैसा बन सकता है तो अगर स्कैल्पिंग करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो इंटरनेट ट्रेडिंग करते हो तो ध्यान से लर्निंग पर काम करना सीख लो दोस्त बस चलिए समझते हैं देखो बहुत आसान है सीख जाओगे अब यहां पर देखो जैसे अप ट्रेंड है यहां पर आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड है है इस तरीके से ठीक तो जब आपको अप ट्रेंड दिखे यहां पर अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड आपको दिखेगा ठीक है ये यह देखिए पर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है और अप ट्रेंड अगर नहीं पहचान सकते तो उसका सिंपल तरीका है ये लाइन ग्रीन रहती है ठीक है ग्रीन लाइन का मतलब तो है आप साइड जा रही है मार्केट ठीक है तो, तो यहां से अप ट्रेंड है अब अप ट्रेंड के बाद में अब यहां देखो एक बार चार्ट को रिफ्रेश कर देते हैं फिर आपको चीजें समझ में आएंगी आसानी से

उसके बाद अपने को वेट करना है ट्रेंड रिवर्सल का तो अपन को पुट साइड की ट्रेड कब कब लेनी है पहले वो समझ लो फिर कॉल साइड का देख लेते हैं ठीक है तो पुट साइड की ट्रेड लेने के लिए यहां पर एक तो ये लाइन जो है ग्रीन रहनी चाहिए ठीक है पहले तो ग्रीन रहनी चाहिए उसके बाद येलो हो जाएगी तो येलो लाइन होने के बाद में ये लाइन जो है ये लाइन पहले ग्रीन रहेगी मतलब अब ट्रेंड है ठीक है अब ट्रेंड यहां पर अपने को मिल गया अब ट्रेंड के बाद में यहां पर ये लाइन येलो हो जाएगी इस कलर में आ जाएगी थोड़ा आपको जूम करके दिखाएं सिंपल अब नोट कर लो की पॉइंट है इसको लिख लीजिए यह सबसे जरूरी पॉइंट है कॉल साइड एंट्री और पुट साइड एंट्री इसको नोट डाउन कर लो ठीक है चलिए यहां पर देखो क्या नोट डाउन करना है आपको यहां देखो इस तरीके से पुट साइड की एंट्री के लिए पहले तो आप ट्रेंड फाइंड करना है जैसे ये अब ट्रेंड हो गया अब ट्रेंड के बाद में यहां पर लाइन जैसे यहां पर भी येलो हुई है यहां पर येलो हुई है येलो लाइन हो जाएगी येलो लाइन होने के बाद में लाइन रेड हो जाएगी जैसे यहां पर ये रेड हो गई और रेड होने के बाद इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी ठीक है यहां पर लाइन ग्रीन रहेगी उसके बाद येलो होगी येलो के बाद मतलब येलो मतलब अलर्ट उसके बाद रेड कलर की हो गई और जैसे ही रेड कलर की होगी उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज चाहिए तो अब यहां देखोगे तो यहां पर ये एंट्री नहीं लेनी ये गलत एंट्री है यहां भी एंट्री नहीं लेनी ठीक है यहां भी एंट्री नहीं लेनी अभी वेट करना है यहां पर देखो येलो कलर आया उसके बाद नीचे कल ये जो है क्लोजिंग मिल गई और ये लाइन जो है रेड हो गई ठीक है यहां पर तीन कंडीशन फुलफिल हो गई देखो ये येलो कलर ये रेड कलर और ये क्लोजिंग ठीक है नीचे क्लोजिंग हो गई अब क्या करना है एक चीज और नोट करनी है इसीलिए बोला इस देखो इसका आप समझ गए इसका काम समझ गए तो अगर इतना समझ गए हो तो थोड़ा सा और समझ लो थोड़ा सा समझने के लिए यहां देखो नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है और एक ये रेड कलर की दिख रही है तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये रेड लाइन के नीचे होनी चाहिए यहां पर तो यहां आप देख रहे हो जैसे ये क्लोजिंग मिली है यहां पर ठीक है यहां अगर आप देखोगे तो यहां अगर क्लोजिंग आप देख रहे हो यहां पर तो यहां पर ये जो लाइन है ये देख लीजिए यहां पर ये यह नीचे है ग्रीन कलर वाली लाइन जो है रेड लाइन के नीचे क्लोज करनी चाहिए बस बन गई पुट की एंट्री और हो गया प्रॉफिट धमाका ठीक यहां पर देखो जैसे यहां क्लोजिंग मिली यहां एंट्री इस कैंडल पर एंट्री आप बनाओगे और उसके बाद ये आप प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हो कितने पॉइंट कैप्चर हुए देखो बिल्कुल सिंपल है आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो कौन कौन से टाइम फ्रेम पे कौन कौन से चार्ट पर कौन कौन से मार्केट में कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है ठीक है जैसे बैंक निफ्टी में पाँच मिनट ठीक है तो निफ्टी में कौन सा करना है फोर में क्रिप्टो में बिटकॉइन में कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करना है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे बस वीडियो आप कंप्लीट ध्यान ध्यान से देखते रहिए इधर उधर लगाओगे देखो मजा आ रहा है ना सीखने में मजा आ रहा है ध्यान से देखिए लर्निंग करोगे तो अर्निंग हो जाएगी ठीक है टेंशन ना लो बस वीडियो को ध्यान से देखो यहां देखो ठीक है ये यह अपन ने यहां पर एंट्री बनाई और यहां एंट्री बनाने के बाद एक बार पॉइंट देख लेते हैं ठीक है स्टॉप लॉस अभी नहीं बताया रूल्स नहीं बताए स्टॉप लॉस भी कहां पर रखना है वो भी समझना है ठीक है तो कितने पॉइंट यहां पर कैप्चर हुए वो देख लेते हैं यहां पर यहां एंट्री बनाने के बाद ठीक है यहां पर एंट्री बनाने के बाद अपन यहां तक देखो एक पॉइंट आता है डेढ़ पॉइंट मान लीजिए डेढ़ पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं ठीक चलिए इसको हटा देते हैं यहां से अब यहां देखो ये यह आप समझ गए पुट साइड की एंट्री ये अपन ने डिस्कस कर ली पी साइड की ठीक है पुट साइड की एंट्री अपन ने डिस्कस कर ली अब सी साइड की एंट्री यानी कॉल साइड की एंट्री डिस्कस करते हैं ठीक इसके अपोजिट अपोजिट है थीक है थीक, इसके है ठीक ठीक इसके कॉल कॉल साइड साइड की की एंट्री एंट्री के लिए यहां पर जैसे डाउन ट्रेंड पहले फाइंड करना है कि डाउन ट्रेंड कहां पर है ठीक जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ठीक तो डाउन ट्रेंड के बाद में अपन को देखना है यहां पर येलो लाइन ये देखिए येलो लाइन आ गई मतलब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है ठीक है उसके बाद येलो लाइन के बाद यहां पर, यहां पर ये ग्रीन लाइन हो जानी चाहिए और ग्रीन ये ग्रीन लाइन हो जानी चाहिए और ग्रीन लाइन के अपसाइड कैंडल क्लोज करनी चाहिए ठीक है और ये वाली जो लाइन है ग्रीन वाली ये रेड लाइन के अपसाइड होनी चाहिए तो यहां पर ये अपसाइड आ गई यहां एंट्री बनाएंगे और ये स्कैल्पिंग अपन करेंगे यहां पर ठीक है तो ये अपन ने जो है देखा कॉल साइड का और यहां आप देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट यहां पर भी नौ से लेकर नौ लगभग साठ सत्तर पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं ठीक है और यहां पर इसी तरह ये देखिए डाउन ट्रेंड आ गया डाउन ट्रेंड के बाद में जो है ये जैसे ये डाउन ट्रेंड आ गया यहां पर मार्केट इधर ओपन होती है कहीं ठीक है कहां ओपन हुई है मार्केट ओपन हुई है यहां इधर कहीं ठीक है और यहां पर ओपन हुई है ये देखिए नौ पंद्रह पर यहां पर मार्केट ओपन हुई है और ओपन होने के बाद एक तो ये अपन ने देखा उसके बाद देखते हैं कि हाँ यहाँ डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जो है अपन को अभी वेट करना है रिवर्सल का और ये रिवर्सल का साइन है ये रिवर्सल का साइन है लेकिन इधर अपसाइड नहीं है और ये है रिवर्सल ये देखिए येलो कलर और ये हो गया एक बजे वाली कैंडल जो है अपसाइड क्लोज कर देती है ध्यान से देखो ये वाली कैंडल अपसाइड क्लोज कर देती है यहां पर भी अपसाइड क्लोजिंग मिल गई ये लाइन भी ग्रीन हो गई यहां एंट्री बनाएंगे पिछला स्विंग जो होगा उस स्टॉप लॉस रख लेंगे और यहां से फिर ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट कर सकते हैं ठीक है तो सिंपल है कॉल साइड की एंट्री आपने समझ ली पुट साइड की एंट्री आपने समझ ली बस ध्यान से आगे समझिए इसका सेटअप कैसे करना है इंडिकेटर कौन कौन से यूज करने हैं ठीक है अब यहां तक देखो मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है इसके बाद सेटअप समझाते हैं सेटअप समझने के बाद अपन रूल्स लिख लेंगे बस इतना काम है सेटअप इजी है आसान है बैक टेस्ट करना आपका काम है बैक टेस्ट जरूर करना चलिए अब अपन क्या करेंगे यहां पर अपन जो है इसको हटाते हैं एक बार और यहां से हटाने के बाद इंडिकेटर हटा दिया और रिमूव कर दिया और उसके बाद देखो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है उसके बाद यहां इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे और यहां पर अपन लिखेंगे आर एस आई ठीक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस पर क्लिक कर देंगे आर एस आई आप सभी को पता है उसके बाद एक इंडिकेटर और यूज करेंगे यहां पर लिखेंगे एच यू डबल एल इतना लिखेंगे तो यहां पर देखो ये वाला इंडिकेटर ठीक है हु एम ए वार्निंग जोनस एंड बाय सेल ठीक है ये वाला इंडिकेटर अपन को यूज करना है चलिए इस वाले इंडिकेटर पर अपन यहाँ पर टच करेंगे तो ये लग जाएगा देखो ये दोनों इंडिकेटर फ्री हैं ये लग गया बस अब इसकी सेटिंग करेंगे ठीक है यहाँ पर टच करेंगे इसकी सेटिंग पर और सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ जो है इनपुट पर टच करेंगे और यहाँ नाइन है इसको अपन थर्टी कर देंगे ठीक है और इसको कर देते हैं ओके okay. ओके करने के बाद देखो बिल्कुल सिंपल है इस तरीके से और यहाँ पर फिर से टच करना है इस पर और यहाँ राइट क्लिक करेंगे विजुअल ऑर्डर है ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे मतलब ब्रिंग टू फ्रंट करो ना करो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा बस फ्रंट से जो है कैंडल इसके पीछे चलेंगी ठीक है बैक साइड और ये इंडिकेटर आपका सामने की तरफ रहेगा तो विजिबल अच्छे से रहेगा बस चलिए लेंथ इसमें चेंज कर लेनी है थर्टी उसके बाद आर पर टच करना है आर पर टच करने के बाद यहां इनपुट जो है एम लेंथ जो है फोर्टीन है इसको अपन थर्टी कर देंगे ठीक है और स्टाइल पर टच करेंगे स्टाइल पर टच करने के बाद यहां पर आर एस आई गई ये जो कलर है ठीक है इसको अपन यहां पर ग्रीन कलर कर देंगे और थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर जो है ये एम ए लाइन है येलो कलर की इसको अपन रेड कलर में कर देंगे और इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे ठीक है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे ठीक है नीचे आने के बाद में यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल यहां सेवेंटी है तो इसको अपन अपर बैंड जो है इसको 80 कर देंगे और लोअर बैंड जो थर्टी है इसको अपन फोर्टी कर देंगे बस इसको कर देंगे ओके लीजिए ये सेटअप अपना कंप्लीट तैयार हो चुका है एंट्री कैसे लेनी है ये अपन ने समझ लिया अब इसका रूल समझ लीजिए ठीक है ये आपने समझ लिया जितना बैक टेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं इसमें सिंपल समझिए रूल आपको इसमें जो है पंद्रह बैक टेस्ट करने हैं ठीक है और जो है पंद्रह पेपर ट्रेड वन लॉट से करना है पेपर ट्रेड वन लॉट से पंद्रह दिन तक करना है तभी आप इस सेटअप के बिहेवियर को समझ पाएंगे तभी आप इस सेटअप का यूज़ कर पाएंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे क्योंकि कोई भी सेटअप है उसके बिहेवियर को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे समझोगे नहीं तब तक आप उस सेटअप से अर्निंग नहीं कर सकते हो ठीक है तो वो लर्निंग पर काम कीजिए अर्निंग के पीछे मत भागी थोड़ा सा पंद्रह बीस दिन एक महीना तो ईमानदारी से सीखिए दोस्त जब तक आप इस चीज को ईमानदारी से नहीं सीखोगे तब तक आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते फिर इधर उधर भटकते रहोगे भटकते हुए कितना टाइम हो गया है ये जरा खुद को ऑब्जर्व करके देख लो तो सीखने पर काम कर लो ठीक है आप सिंपल समझ लीजिए अगर आप टू ई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं ठीक है तो टू ई स्ट्रेटजी क्या है पहले एक बार उसको देख लीजिए मतलब राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है ठीक है तो यहां पर YouTube पर आपको आना है अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन ओपन करनी है ठीक है और YouTube ओपन करने के बाद में यहां पर आपको लिखना है टू डबल ई स्ट्रेटजी अभी आपको दिखाते हैं ठीक है ये आ गया यूट्यूब अब ध्यान से देखो टू स्ट्रेटजी क्या है टू डबल ई ठीक है टू डबल ई स्ट्रेटजी इतना लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारी वीडियो आती है लेकिन आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी है यहाँ पर आपको कौन सी वीडियो देखनी है ये ध्यान से देख लीजिए ये वाली जैसे ये देखिए ठीक है ये वाली वीडियो आपको देखनी है टू ई यहां पर देखो ये लगा हुआ है ना टाइटल टू ये दिखाया है ये रही तो आपको देखिए चैनल का नाम ध्यान रखना है ये नाम है अर्निंग ब्रांच चैनल का नाम है इसी चैनल की वीडियो ठीक है जिस चैनल पर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं इसी पर आपको देखनी है आप टू स्ट्रेटजी देखिए अगर आप सीखना चाहें ठीक है राइट right टाइम पे एंट्री कैसे लेनी है राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है ओवर ट्रेडिंग कैसे कम होगी रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है ठीक है कैसे मैनेज किया जा सकता है वो सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं गलत ट्रेड अगर आपके एंट्री लेते ही आप मार्केट रिवर्स हो जाती है आपके अपोजिट तो आपकी एंट्री गलत होती है तो गलत एंट्री कम कैसे होगी ये सब कुछ उसमें सिखाते हैं तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं नौ सौ बोले गए नंबर पर ही यकीन करना लिखे हुए नंबर पर यकीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैनल बहुत बने हुए हैं अपने नाम से डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, का लिंक है टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए ठीक है फ्री है डिस्क्रिप्शन को चेक करना पैसा देने की जरूरत नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया